नमस्कार, संजू के किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, बहुत ही अच्छे से बनके तैयार होंगे। ये 1 kg मतलब 1 किलो हमने चीनी ले ली है। इसकी बनाएंगे पहले चाशनी। चाशनी बनाने के लिए ये बड़ा सा भगोना हमने रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे सारी चीनी। चीनी सभी डाल देती हूँ पहले, और जितनी हमारी चीनी है उसके 2 गुना हम पानी डालेंगे हमारी, जिससे आप मैनेजमेंट करना चाहती हैं उससे आप नाप लीजिए। जितनी, जैसे 1 कटोरी चीनी है तो उसमें आप 2 कटोरी पानी डालिएगा। तो ये हमने मैनेजमेंट करके रख लिया है पहले से पानी इसमें। तो 1 किलो चीनी है हमारी, और 1 बर्तन से हमने नाप लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसे हम पकाएंगे जब तक ये घुल नहीं जाती है, और घुलने के बाद 5 से 6 मिनट हमको पका लेना है इसे। उसमें 1 तार या 2 तार बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ चीनी के घुलने के बाद 5 से 6 मिनट हमें पका लेनी है, तो ये अच्छी सी चाशनी बनके तैयार हो जाती है। देखिए, चीनी घुल गई है, कलर चेंज होने लगा है। अब इस पकाएंगे और इसे 4 से या 5 से या 6 मिनट हम पकाएंगे, तो ये हमारी अच्छी चाशनी बन जाएगी। इसमें थोड़ा से हम चाहे तो आप डाल सकती हैं, वरना स्किप कर सकती हैं। ये हमने छोटी इलायची ली है, इसे दरदरा सा कूट लिए हैं, इसी तरीके से हम डाल देंगे। चाहे तो आप इसमें पाउडर इसका डाल सकती हैं। और ये ले लिया है हमने मावा। ये मावा गाय के दूध का है, और ये 1 किलो मावा है, और ये रखा हुआ था फ्रिज में, तो इससे पहले हम बाहर निकालिए। और ये थोड़ा सा हमने दूध को घड़ी में फाड़ के पनीर बना लिया था, तो इसे हम अभी बिल्कुल फ्रेश पनीर है, अभी अभी ताजे बनाया हुआ है। और चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हैं। ये देखिए, इलायची के दाने हमने रख लिए हैं। अब इसमें 1/2 इलायची के दाने डाल देंगे, और ये चीनी हमारी, चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। और इसे अब हम थोड़ी देर पका के और बंद करके साइड में रख देंगे। और चाशनी बहुत मोटी मत करिएगा, वरना आपके जो रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन हैं, वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं होंगे, फूलेंगे नहीं इसमें। तो आप चाशनी पतली सी ही रखिएगा, बहुत मोटी मत करिएगा, मतलब गाढ़ी सी। अब इसे हम रख देते हैं साइड में बंद करके, और ले लेती हूँ मावा। मावा को जो टाइट दिख रहा है मावा, उसे हम ग्रेट कर लेंगे, कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए, छोटे से ग्रेटर से, और जो मुलायम है वो हाथ से ही तोड़ सकती हैं। देखिए, साइडों का जो ऊपर का टाइट हो गया है, इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं, और जो मुलायम है वो हाथ से तोड़ के सारा मावा पहले तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से, और ये हो गया है, ये देखिए इस तरीके का। और ये साइड में जो रखा है ये मुलायम है, तो हाथ से इस तरीके से तोड़ लेना, बिल्कुल बारीक कर लेना। इसमें बिल्कुल गुल्ठियाँ जो होती हैं वो नहीं रहनी चाहिए। और तो पहले हम तोड़ के सारा मावा रख लेती हूँ, और ये देखिए हो गया है। अब इधर जो पनीर हमने बनाया था, आप मार्केट से ले लें, उसे भी ग्रेट कर लें बारीक सा। और ये देखिए, हमने पनीर जो था वो हम इसे मल रहे हैं, और उसे ज़्यादा ताकत लगा के नहीं मलना है, हल्के ही हाथों से मलना है। और ये 100 ग्राम के लमसम बराबर होगा ये। और देखिए, हमने अच्छे से मला है इसे, बिल्कुल गुल्ठियाँ इसमें नहीं। और इसमें हम डाल देंगे सारा मावा। 100 ग्राम हमारा पनीर है, और 1 किलो हमारा मावा है। अब दोनों को हम मिक्स करेंगे, इन्हें भी बहुत अच्छे से, मतलब खूब बार ताकत लगा के नहीं मलना है, और हल्के हाथों से ही मलना है। ऐसा मलना है कि गुल्ठियाँ नहीं रहनी चाहिए इसमें, जो मावा के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो कुछ नहीं रहने चाहिए। और देखिए, हमने मल के तैयार कर लिया है, इस तरीके का हो गया है। और इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम डालेंगे बस 3 चुटकी के बराबर, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे। और बेकिंग पाउडर डाल रही हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकती हैं, लेकिन बेकिंग सोडा डालती हैं तो इसमें 3 चुटकी से बिल्कुल ज़्यादा नहीं डालिएगा, वरना आपके रसगुल्ले कढ़ाई में ही रह जाएंगे। और इनमें 100 से 150 ग्राम हम मैदा डालेंगे। 100 ग्राम से भी बन जाएंगे, नहीं आपका रसगुल्ला बनना तो 150 ग्राम इसमें मैदा डाल लीजिए, तो हमारे जो आपके रसगुल्ले बनेंगे तो वो अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, मैदा डाल के भी हमने मिक्स कर लिया, इसे भी हम हल्के हाथों से ही मले हैं। ऐसा नहीं कि गदेली से ताकत लगा के मल देंगे तो इसका जो घी होता है वो रिलीज होने लगेगा, तो ये अच्छा नहीं बन पाएगा। तो ये हम पहले अच्छा सा डो बना के तैयार कर लिया है, देखिए साइड में रख लिया, बहुत चिकना सा डो बन के तैयार हो गया है।
अब लेती हूँ एक प्लेट और इसमें थोड़ा सा हल्का सा सूखा मैदा डाल देंगे, क्योंकि इसमें हम जब बना के रखेंगे रसगुल्ले तो ये चिपके नहीं। तो अब लेते हैं थोड़ा सा जो रसगुल्लों का डो बना के तैयार किया है, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़े या थोड़ा सा छोटे सेब में बना सकती हैं। और ये हम मीडियम साइज़ का बना रहे हैं और इस तरीके से बना लेंगे। देखिए गोल गोल से इसमें एक भी कितनी बहुत चिकना सा बना हुआ है, और इसी तरीके से बनाने हैं चिकने से। तो सारे बना के पहले तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये हमने दो बना लिए हैं, ये देखिए रसगुल्ले इसी तरीके से चिकने से बनाने हैं। चलो थोड़े से बनके तैयार हो गए हैं, अब इन्हें हम पकाना भी स्टार्ट कर देते हैं साथ में, क्योंकि इसमें समय लगता है पकने में, धीरे धीरे पकते हैं। तो ये कढ़ाई में हमने डाल दिया है ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है। इसमें एक चुटकी मैदा डालेंगे, क्योंकि जो कढ़ाई में रसगुल्ले डालती हूँ यानी गुलाब जामुन जो डालेंगे पकाने के लिए, तो वो चिपकेंगे नहीं कढ़ाई में। तो एक चुटकी मैदा डाल दे सकती हैं इसमें। और अब ये तेल हल्का सा गर्म हो गया है, तो इसमें हम अब गुलाब जामुन डालना स्टार्ट करते हैं। और तेल ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ये डूब जाने चाहिए जो गुलाब जामुन है। और देखिए हल्के हल्के से बबल आना स्टार्ट हो गए हैं, और साइडों से इस तरीके से ऑयल को हिलाना है और जो गुलाब जामुन उनको बिल्कुल ही टच नहीं करना है। और इस तरीके से चारों तरफ से हिला देंगे तो हमारे रसगुल्ले और चिपकेंगे नहीं, पकने लगे हैं। और धीरे धीरे फ्लेम पर ही पकाना है। और देखिए सारे अपने आप ऊपर आने लगे हैं, ये अपने आप आने लगते हैं जब पक जाते हैं। और धीरे धीरे से ऐसे ऑयल को हिलाते रहना है, और इन्हें जैसा आप कलर रखना चाहें उस हिसाब से कलर रख सकते हैं, थोड़ा सा गोल्डन रख सकें या फिर ब्लैक कर सकती हैं। तो ये सारे रसगुल्ले देखिए कलर जो है इसका गोल्डन होने लगा है, और थोड़ी देर पकाएंगे तो इसे ब्लैक कलर आ जाएगा। तो कलर आप पे है, जैसा आप रखना चाहें हल्का सा या डार्क। तो ये देखिए अब हम इसे निकाल लेंगे, हमें इसे बहुत डार्क नहीं करना है। अब निकाल लेती हूँ, और ये देखिए अच्छे से हमारे गोल्डन से गुलाब जामुन बनके तैयार हो गए हैं। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी गुलाब जामुन अच्छे से बन जाएंगे। ध्यान रखना है बेकिंग सोडा जो डालें बिल्कुल थोड़ा ही डालें, और मावे की क्वांटिटी ज़्यादा होगी मैदे की कम होगी तब भी आपके रसगुल्ले नहीं बनने वाले गुलाब जामुन। तो चलिए सभी निकाल लेती हूँ और बाकी के डाल देती हूँ। और इसी तरीके से सारे हम पकाते जाएंगे, बनाते जाएंगे तो जल्दी से बन जाएंगे। और ये हमारी चाशनी है, चाशनी बहुत गर्म नहीं है, हल्की सी ठंडी हो गई है, ये सबसे पहले हमने बनाई थी। तो इसमें डाल देंगे हम सारे गुलाब जामुन, और ये डाल दिए और हम पकाएंगे और बाकी के इसी तरीके से पकाते जाएंगे। ये देखिए ये भी पकने लगे, इन्हीं को भी ऐसे ही तरह से करना है जैसे हम पहले किए हैं, साइड से ऑयल को हिलाना है और अच्छे गोल्डन तक पकाना है। तो सभी डाल देती हूँ पका के, और ये अच्छे से फूल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे हमारे गुलाब जामुन। और ये देखिए ये भी कलर चेंज हो गया है। तो पहले बना के तैयार कर लेती हूँ सभी, और ये हमारे फाइनली बन चुके हैं। ये अभी बहुत गर्म है, अभी अभी हमने बनाना बंद किए हैं, और निकाल के देखती हूँ ये तुरंत खाने वाले हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। और निकालती हूँ एक कटोरी लेती हूँ, आपको कट करके दिखाती हूँ किस तरीके से अंदर से भी ये गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। ये निकालती हूँ एक, और इसे कट करती हूँ, और कट करने के बाद देखती हूँ, देखिए ये बहुत सॉफ्ट है, ये देखिए, और अंदर तक ये पक गया है, कहीं कच्चे का निशान नहीं दिख रहा है कि ये अंदर से कच्चा है। सारे रसगुल्ले इसी तरीके के हैं, ये टूटेंगे भी नहीं और ये कच्चे भी नहीं रहेंगे, जो क्वांटिटी इनकी बराबर डालेंगे जिस हिसाब से बताई गई है। अगर रसगुल्ले की यानी गुलाब जामुन की रेसिपी वीडियो मुझे पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज ज़रूर कर लीजिएगा, और साइड में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। और इसी तरीके से बनाइए होली में गुलाब जामुन, रसगुल्ला, कुछ भी बनाइए, और ये होली तक खाइए, इंजॉय करिए। ये एक महीने तक ख़राब भी नहीं होंगे, घर की चीज़ बनी ख़राब नहीं होती है। और इसी तरीके से इस होली बनाइए, खाइए, सभी को खिलाइए। मेरे वीडियो को बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय, टाटा।